तो यहाँ पर फ्रेंड मैं आपको दिखा दूँ, कुछ गूगल एडसन का पिन यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों तरफ से इस तरह से नाम वगैरह होता है और यहाँ पर इस तरह से राइट। फ्रेंड आप यहाँ पर देख रहे हैं फाइनली मुझे यहाँ पर गूगल एडसन का पिन मिल चुका है। और गूगल एडसन का पिन मिलने मुझे ये कितने दिनों में मिला, मुझे यहाँ पर कितना समय लगा, और ये गूगल एडसन पिन आता कहाँ से, और इसे हम वेरीफाई कैसे करेंगे फ्रेंड, और यहाँ पर आपको इसकी क्यों जरूरत होती है और कब जरूरत होती है, तो आज की वीडियो में आपको यहाँ पर सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल को दबाना ना भूलें, और साथ में हमारे चैनल को लाइक कर लें। और चलिए हम आपका वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे आपको चारों तरफ से यहाँ पर खोल लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको जब अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अंदर से पिन मिल जाएगा जो कि लगभग 6 अंकों का होगा। और इसी पिन को आपको यहाँ पर इसको गूगल एडसन पिन के जहाँ पर पिन सबमिट करना है वहाँ पर आपको इसे डाल देना है। तो ये आपको मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको यहाँ पर अभी देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको मैं पहले डेस्कटॉप पे चलता हूँ। तो आपको सबसे पहले एक ब्राउज़र की जरूरत होगी, आप कोई भी एक क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप जब क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे एक न्यू टैब यहाँ पर ओपन कर लेना है आपको। जब आप टैब ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइप करना है और आपको गूगल होम पेज पर जाना है। यहाँ पर google.com आप लिख दीजिए, टाइप करेंगे, एंटर कर दीजिए। और एंटर करने के बाद यहाँ पर आप गूगल के होम पेज पर आ जाएंगे। गूगल एडसन के अकाउंट पर लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, और आप चाहें तो उसे टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पर एडसन लॉगिन करके आपको टाइप करना है और यहाँ पर एंटर कर देना है। और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर गूगल एडसन लॉगिन आपको मिला है तो आपको इस पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट पहले से अगर मैंने यहाँ पर लॉगिन करके रखा है इस पर भी तो डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा, नहीं तो साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड देना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड दे रखा है, और यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन हो रहा है। और आपको यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड देने के बाद इस तरह से आपका यहाँ पेज ओपन हो जाएगा, और आपको यहाँ पर डायरेक्टली अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और आपको अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर देखो योर पेमेंट्स ये होल्ड के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर जो वेरीफिकेशन होना है यहाँ पर आपको एड्रेस अपना वेरीफिकेशन कराना है। जो पिन आपको मिला है वो भी यहीं से वेरीफिकेशन होगा, आप ऊपर से चाहें जा सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अकाउंट पर क्लिक करेंगे अकाउंट इंफॉर्मेशन में आएंगे, और यहाँ पर आपको एड्रेस वेरीफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो वेरीफाई एड्रेस पर आपको क्लिक कर देना है। पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एंटर योर पिन, तो यहाँ पर आपको जो यहाँ से गूगल एडसन से आपको जो पिन यहाँ पर अवेलेबल होता है उस पिन को आपको यहाँ पर डाल देना है। ये आपका 4 से 6 अंक का हो सकता है पिन, और आपको इस पिन को डालना है। तो ये पिन यहाँ पर मैं टाइप कर दे रहा हूँ, और बहुत केयरफुली आपको यहाँ पर जो आप पिन डालेंगे उसको आपको ध्यान से देखकर ही डालना है, किसी तरह की मिस्टेक ना करें। तो आप पहले कोड देख लें आराम से, उसके बाद डालना शुरू करें। जब आप डालेंगे तो पहले देखते जाएंगे आप क्या डाल रहे हैं। यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ, तो आपको मैच कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपने पिन डाला है, जब आप यहाँ पर अपना पिन डाल देंगे उस पिन के नीचे आपको यहाँ पर सबमिट पिन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको सबमिट पिन पर क्लिक करते ही आप जैसे क्लिक करेंगे इसे जो पिन है यहाँ पर ले लिया है, और आप यहाँ पर देखेंगे जो गूगल एडसन पिन है यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। इसे अपडेट होने में कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है आपका 2-4 घंटे में या 24 घंटे में ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा समय लेगा आपका एडसन
गूगल एक्सटेंड का जो पिन है वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर एक आईडी प्रूफ मांगेगा, जिससे आपके अकाउंट को फाइनल पूरी तरह से यहाँ पर जो अकाउंट है आपका वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो पेमेंट है आपके अकाउंट में, जो अगर आपका पेमेंट $100 हो गया है तो ट्रांजेक्शन हो जाएगा। और इसके बाद आप अपने जो पेमेंट है कंटिन्यू, इसके बाद आपको पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके बाद आप लगातार पेमेंट डायरेक्टली ले पाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर आईडी वेरिफिकेशन जो है वो हो जाएगा, यहाँ पर एड्रेस वेरिफिकेशन जो पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर उसके लिए आपको इसे के तो फ्रेंड मुझे गूगल एडसेंस का पिन मिलने में कितना समय लगा और इसके लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मुझे 1 से 1.5 महीना यहाँ पर लगा। वो ऐसे लगा क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया था, जो मुझे भेजा गया था, वो मुझे पहली बार का जो गूगल एडसेंस पिन है वो नहीं मिल पाया, जिसके लिए मैंने वहाँ पर 1 मंथ वेट किया। और उसके बाद जब नहीं मिला तो मैंने उसके लिए दोबारा से अप्लाई किया और फिर उसके बाद मुझे ये लगभग 10 से 14 दिन के बीच में यहाँ पर मिल गया। और तो फ्रेंड यहाँ पर आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपका जो गूगल एडसेंस का पिन है वो आपके लिए यहाँ पर सेंड कर दिया जाता है, वो भी $10 होने के बाद आपके अकाउंट में। जब तक $10 से आपके ऊपर वहाँ पर नहीं होंगे तब तक आपको यहाँ पर गूगल एडसेंस का पिन नहीं मिलता है और वहाँ से जनरेट नहीं होता है। और उसके लिए आपको यहाँ पर अपने यूट्यूब अकाउंट में जो $10 आप देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने वहाँ पर यूट्यूब में अपने डैशबोर्ड पर वहाँ पर देख लिया और वहाँ पर आपने $10 देखे और आप सोचें कि वहाँ पर आपको उसके बाद अरे पिन नहीं आया, तो आप सोचेंगे अरे यहाँ तो मेरे $10 हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब तक आपके $10 गूगल एडसन अकाउंट में नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है जब आपके गूगल एडसन अकाउंट में $10 तभी अपडेट होंगे जब अगले मंथ की 12 तारीख जब आएगी, तब वहाँ पर जब गूगल एडसन का जो यूट्यूब का पेमेंट है जब अपडेट होते हैं $10, तो वहाँ पर गूगल एडसन में ही तभी दिखाएगा, तभी गूगल एडसन में दिखाएगा। और तभी आप वहाँ से जब $11 हो जाएंगे तभी आपका फिर जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा आपके एड्रेस पर, और आप उसको जब आपको मिल जाएगा उसके बाद आपको वहाँ पर उसी पिन को ही सबमिट कर देना। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद आपका जो पेमेंट है डायरेक्टली आने लगेगा। फ्रेंड मुझे लगता है यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने के लिए मिल गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, वीडियो देखने के लिए।